हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। ठीक है, एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, जब बात होगी टू पर्सन की, फॉर टू पर्सन, मान लेते हैं टू पर्सन है ए एंड बी, तो इनका जब हम प्रॉफिट की रेशियो निकालेंगे ए और बी की, तो किस तरह से निकालनी है? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए, ए ने कितना पैसा लगाया है और कितने समय के लिए लगाया है, उसी तरह से रेशियो होगी इसके साथ किसकी? बी की। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि बी ने कितना पैसा लगाया है और कितने समय के लिए लगाया है, ये होगा हमारा यहाँ से किसकी रेशियो निकलेगी? प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी। आप इसी को, अगर ए और बी का प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी निकालना होगा, तो किस तरह से निकालना है? देखिए, यहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए कर देना है और इसके साथ रेशो किसकी निकल जाएगी? इन्वेस्टमेंट ऑफ b इंटू टाइम ऑफ b निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगी प्रॉफिट ऑफ a और जो प्रॉफिट ऑफ b की रेशो। ये था फॉर टू पर्सन के लिए, दो आदमियों के लिए। अगर इसी की जगह पे तीन पर्सन होते तो कैसे करना था, देखिए हम वो भी आपको समझा देते हैं। बात जब थ्री पर्सन की होगी, हम लेट कर लेते हैं वो थ्री पर्सन क्या कौन कौन है, ए बी एंड सी। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको ए बी सी या एम एन के नाम से ही दिया गया होगा, आपको क्वेश्चन में नाम भी दिए गए होंगे पर्सन के। ठीक है, तो जब ए बी और सी तीन पर्सन होंगे तो इनके प्रॉफिट की रेशो कैसे निकालनी है? सेम इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए, इसके साथ रेशो निकलेगी इन्वेस्टमेंट ऑफ b इंटू टाइम ऑफ b और इन्वेस्टमेंट ऑफ c इंटू टाइम ऑफ c। ठीक है, ये किसकी रेशो होगी? ये रेशो होगी प्रॉफिट ऑफ a रेशो प्रॉफिट ऑफ b रेशो प्रॉफिट ऑफ c। ठीक है, आप इसी को और किस तरीके से लिख सकते हो, अगर आपने प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी रेशो प्रॉफिट ऑफ सी। तो क्या करना है आपने? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए, सेम इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इंटू टाइम ऑफ सी। ठीक है, जहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट की रेशो निकल जाएगी किस किस की? ए की, बी की और सी की। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। देखिए, जिस क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं होगा, जिस क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं होगा या फिर सेम टाइम होगा, टाइम होगा, तो वहाँ पे आप टाइम को निगलेक्ट भी कर सकते हो, मतलब विदाउट टाइम लेकर भी आप निकाल सकते हो, या फिर टाइम लेकर आप टाइम की रेशो को 1:1 ले लो या फिर 12:12 ले लो, तब भी 1:1 ही बनेगा।
ठीक है। तो इसका मतलब वन की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे वह सेम रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि टाइम सेव करने के लिए आप उस टाइम को जो टाइम गिवन नहीं होगा, जिस क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं होगा या फिर टाइम सेम दिया होगा, जैसे टू टू ईयर दे दिए हैं ए और बी दो पर्सन के लिए, ठीक है, तो तब भी टू और टू की रेशो वन ही बनेगी। तो वहाँ पर आप टाइम ना भी लोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए चलते हैं अब एक्सरसाइज के ऊपर। और याद रखना, जिस रेशो में पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसी रेशो में उसको प्रॉफिट भी होगा। जिसने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिसने कम पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसको कम प्रॉफिट होगा, ठीक है। और मैं आपको ये रेशो एंड प्रोपोर्शन जो अभी लास्ट चैप्टर करवाया है तो रेशो मेथड से ही आपको मैं पार्टनरशिप पूरा करवा दूंगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मोना एंड चंदू स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1,00,000 एंड ₹1,50,000 रिस्पेक्टिवली इन सेम टाइम। कहते हैं मोना एंड चंदू ने बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट किया, कितना? मोना ने किया 1,00,000 और चंदू ने किया 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इन द सेम टाइम, सेम समय के लिए। अब उस सेम समय को मैंने आपको अभी बताया है कि आप चाहे निगलेक्ट कर दो, क्योंकि सेम समय है। तो अगर हम टू टू ईयर लेकर चलेंगे तब भी रेशो वन बनेगी, वन वन ईयर लेंगे तब भी वन वन रहेगा, टेन ईयर भी ले लेंगे तब भी रेशो वन ही रहेगी। तो फाइंड द शेयर ऑफ मोना एंड चंदू आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹24,000। टोटल प्रॉफिट हुआ है 24,000 का, तो हमने बताना है उसमें मोना और चंदू को कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो देखिए पैसा किस किसने लगाया है, मोना और चंदू ने। मोना ने लगाया है 1,00,000 और चंदू ने लगाया है 1,50,000। तो जहाँ से 1, 2, 3, 4 तो ये 5 × 2 करेंगे 10 बन जाएगा, 5 × 3 करेंगे 15 बन जाएगा। तो मोना और चंदू की जो रेशो आई है वो क्या आई है, 2:3। हम ये कह सकते हैं कि मोना को जो प्रॉफिट हुआ है वह 2 हुआ है और चंदू को 3 हुआ है, जबकि टोटल प्रॉफिट उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 24,000, ठीक है। अब हमारे हिसाब से जहाँ रेशो के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 5। अब हम ये कह सकते हैं कि 5 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 24,000 के। तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी होगी तो ये बन जाएगा 24,000 डिवाइड बाय 5, तो ये कट हो जाएगा 5 × 4800 से, ठीक है, यानी कि 4800 से। अब 1 की वैल्यू 48 है तो मोना का शेयर, प्रॉफिट शेयर क्या है, मोना की रेशो क्या है, 2। अगर 1 की वैल्यू 4800 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 4800 × 2 यानी कि 9600। सेम चंदू की प्रॉफिट की रेशो क्या है, 3। तो अगर 1 की वैल्यू 4800 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 4800 × 3, तो ये बन जाएगा 1,440,000। अब हम ये कह सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो था 24,000 उसमें से मोना को 96,000 मिला है और चंदू को 1,440,000 यानी कि 14,400 मिला है। उम्मीद चाहता हूँ आपको अच्छे से जो क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरू स्टार्ट से बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹10,000। कहते हैं कि नीरू किसी बिजनेस को स्टार्ट करती है और कितना पैसा लगाती है, 10,000। आफ्टर 4 मंथ 4 महीनों के बाद रिम्पी जॉइन हिम विद द कैपिटल ऑफ ₹5,000। कहते हैं कि 4 महीने के बाद रिम्पी भी ज्वाइन कर लेती है, कितने पैसों के साथ, 5,000 के साथ। फाइंड द शेयर ऑफ नीरू आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। कहते हैं कि टोटल प्रॉफिट है 2,000, उसमें से बताओ नीरू का शेयर क्या होगा, ठीक है। अब पहले देखिए बिजनेस कौन स्टार्ट करता है, नीरू और रिम्पी। नीरू स्टार्ट करती है 10,000 के साथ और रिम्पी स्टार्ट करती है 5,000 के साथ, ठीक है। अब रिम्पी ने स्टार्ट किया था आफ्टर 4 मंथ 4 महीनों के बाद, तो इसका मतलब नीरू ने पूरा टाइम बिजनेस किया है, तो पूरा टाइम जब भी होगा वह 1 साल कहलाएगा, यानी कि 12 मंथ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि नीरू ने पैसा इन्वेस्ट किया 12 मंथ के लिए और रिम्पी ने पैसा इन्वेस्ट किया कितना। अब रिम्पी नीरू के 4 महीनों के बाद आई थी, तो इसका मतलब रिम्पी ने 8 महीने के लिए किया होगा, ठीक है। तो जहाँ से 1, 2, 3 कट जाएगा, 5 × 1 5, 5 × 2 10 कट जाएगा, और जो
टू और फोर से चला जाएगा, फोर इंटू वन फोर और फोर इंटू थ्री करेंगे ट्वेल्व, तो रेशो क्या बन गई, थ्री रेशो वन। नीरू और रिम्पी की रेशो बनी थ्री रेशो वन। अब पूछा किसका है, नीरू का पूछा है, ठीक है। तो या तो आप ऐसा कर लीजिए, थ्री और वन फोर है रेशो के हिसाब से टोटल, ठीक है। तो फोर की वैल्यू किसके इक्वल है, 2000 के, तो जहाँ से वन की वैल्यू आ जाएगी 500 के, तो जान की रिम्पी का शेयर आ गया 500, टोटल 2000 है, और नीरू की रेशो थी थ्री। अगर वन की वैल्यू 500 है, थ्री की वैल्यू क्या होगी 1500, तो नीरू का शेयर क्या आएगा 1500। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, निकालना किसका है, नीरू का, नीरू की रेशो क्या है थ्री, थ्री को ऊपर रखिए और नीचे टोटल रेशो टोटल कितनी होगी, थ्री और वन फोर, और उनका टोटल जो उन्होंने दिया होगा, तो फोर इंटू फाइव, 500 करेंगे तो 2000 बन जाएगा, 500 इंटू थ्री करेंगे तो 1500, ठीक है। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो नीरू का शेयर क्या होगा 1500, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ आर एस 50,000। कहते हैं कि ए बिजनेस को स्टार्ट करता है और कितना पैसा लगाता है 50,000। आफ्टर थ्री मंथ बी ज्वाइंट हिम, तीन महीनों के बाद बी भी उसे ज्वाइन कर लेता है विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल, वह किसी कैपिटल के साथ, किसी पैसों के साथ, ठीक है। एट द एंड ऑफ ए ईयर एज स्टार्टिंग द बिजनेस द प्रॉफिट वाज शेयर्ड इन द रेशो थ्री रेशो टू। कहते हैं कि जो ए और बी को जो प्रॉफिट हुआ है उसके प्रॉफिट की जो शेयर की रेशो है वह है थ्री रेशो टू। हाउ मच डिड बी इन्वेस्ट, तो बताओ बी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, ए ने इन्वेस्ट किया है 50,000 और ए ने पूरे साल के लिए किया है यानी कि 12 मंथ के लिए किया है। इसी तरह से बी ने किया है, बी ने पैसा कितना किया है भाई हमने निकालना है, तो हम बी ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनटू तीन महीनों के बाद किया था, तो बी ने कितने समय के लिए किया है, 9 महीने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट की रेशो क्या है, थ्री रेशो टू यानी कि 3:2। हम लेट कर लेते हैं ए एंड बी के प्रॉफिट को, अगर रेशो 3:2 है तो हम मान लेते हैं ए को प्रॉफिट हुआ होगा 3x और बी को प्रॉफिट हुआ होगा 2x, तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x और 2x, ठीक है। अब ये 3x की जो वैल्यू है वह है 50,000 इंटू 12। हम जहाँ से ये लिख सकते हैं 3x की जो वैल्यू है वह है 50,000 इंटू 12, तो जहाँ से हम टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं ए का, यानी कि 3x की वैल्यू होगी 12 इंटू 5 करेंगे 60 और 40 साथ में लग जाएंगे, ठीक है, यानी कि 6 लाख की वैल्यू होगी 3x के इक्वल, ठीक है। तो जहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 20 करेंगे तो 60 बन जाएगा और 40 साथ में। हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो है 2 लाख। अब x की वैल्यू 2 लाख है, निकालना किसका है, b का इन्वेस्ट, बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, और बी के प्रॉफिट की जो प्रॉफिट कितना है बी का 2x, तो अगर x की वैल्यू 2 लाख है तो 2x यानी कि बी के प्रॉफिट की वैल्यू 2x, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, अगर x आपका 2 लाख है तो 2x होगा तो 2 × 2 लाख बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 लाख। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 लाख, यानी कि बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वह कितना किया होगा, 4 लाख। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू एंड आर इंटर्स इनटू ए पार्टनरशिप। कहते हैं कि पी क्यू और आर तीनों बंदे एक पार्टनरशिप में इंटर करते हैं, इन्वेस्टिंग पैसा लगाते हैं कितना, आरएस 35,000, आरएस 45,000 एंड आरएस 55,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि पी लगाता है 35,000, क्यू लगाता है 45,000 और आर लगाता है 55,000, ठीक है। द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ पी क्यू एंड आर करस्पॉन्डिंग शेयर इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 40,500। इनको जो एनुअल यानी कि साल के बाद प्रॉफिट होता है वह कितना होता है, 40,500। तो बताओ पी क्यू और आर का शेयर क्या होगा, ठीक है। तो जिस रेशो में पैसा इन्वेस्ट किया होगा प्रॉफिट भी उसी रेशो में होता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं पी क्यू और आर के प्रॉफिट की रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पी ने पैसा कितना लगाया, 35,000। अब उन्होंने बोला ये है कि एनुअल साल के बाद, अब तीनों का एक साल के बाद होगा, तो तीनों का सेम टाइम है, एक साल है, तो मैंने आपको बताया जहाँ पे टाइम सेम होगा, जहाँ टाइम गिवन नहीं होगा वहाँ पे आप टाइम को छोड़ देना,
ठीक है। देखिए अगर आप लेना चाहते हो तो 12 मंथ ले भी सकते हो, लेकिन 12 12 कट जाएगा, फिर आपकी रेशो बन रेशो बन रेशो बन ही रह जाएगी। तो इससे बेस्ट है आप अपना टाइम सेव करिए, तो टाइम को रहने दीजिए जहाँ पे, ठीक है। तो पी ने पैसा लगाया है 35,000, रेशो क्यू ने लगाया है 45,000, और इसी तरह से आर ने लगाया है 55,000। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 कट जाएंगे, ठीक है। तो पी की रेशो आ जाएगी 35, रेशो क्यू की आ जाएगी 45, रेशो आर की आ जाएगी 55। अब जब तीनों भी 5 के टेबल से कट जाएंगे, यानी कि 7 × 5 करेंगे 35 बन जाएगा, 9 × 5 करेंगे 45 बन जाएगा, और 11 × 5 करेंगे तो 55 बन जाएगा। तो पी क्यू और आर के जो प्रॉफिट की शेयर की रेशो आई है वह आई है 7:9:11, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट दे दिया उन्होंने 40,500, लेकिन रेशो से हम टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो कितना बनेगा, 7 + 9 + 11 करेंगे तो 27 बनेगा, ठीक है। हमारे हिसाब से 27 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैक प्रॉफिट कितना है, 40,500। तो जहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे वह बन जाएगी 40,500/27। तो 27 × 1 करेंगे 27 13 रह जाएगा, तो 27 × 5 करेंगे 135, और ये दोनों जीरो साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1500। अब 1 की वैल्यू आ गई है 1500, निकालना किसका है, तीनों का शेयर, जिसमें पी की वैल्यू क्या है शेयर की 7। तो अगर 1 की वैल्यू 1500 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 15 × 7 करेंगे तो 105, और ये दोनों जीरो साथ साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो पी का शेयर आ गया 10,500। इसी तरह से क्यू की शेयर की रेशो है 9, अगर 1 की वैल्यू 1500 है तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 13,500, क्योंकि 9 × 15 करेंगे तो 135 बन जाएगा। इसी तरह से आर के शेयर की रेशो क्या है, 11, तो 1 की वैल्यू अगर 1500 है तो 11 की क्या होगी, 16,500। तो हम ये बता सकते हैं जहाँ से कि पी का जो शेयर है वह है 10,500, क्यू का शेयर है 13,500, और आर का शेयर है 16,500। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी इन्वेस्ट RS 3500 इन द बिजनेस। कहते हैं कि किसी बिजनेस में पी कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, 3500। आफ्टर 5 मंथ, 5 महीनों के बाद क्यू ज्वाइंस विद सम इन्वेस्टमेंट। क्यू ज्वाइन कर लेता है पी को कुछ सम इन्वेस्टमेंट के साथ। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ क्यू इज 50% मोर देन द प्रॉफिट ऑफ पी। कहते हैं कि अगर क्यू का प्रॉफिट 50% ज़्यादा हो पी से, तो देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू। तो बताओ क्यू ने कितना पैसा लगाया होगा। देखिए प्रॉफिट देखिए पी और क्यू का, उन्होंने बोला है क्यू का जो प्रॉफिट है वह 50% ज़्यादा है, तो 50% की वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि 2, अगर पी ने 2 लगाया होगा तो 50% ज़्यादा, यानी कि 1 ज़्यादा है, तो 3 होगा किसका, क्यू का। तो हम ये जहाँ से बता सकते हैं पी और क्यू की जो प्रॉफिट की रेशो होगी वह होगी 2:3। अब देखिए जहाँ पे पी ने इन्वेस्ट कितना किया है, 3500, और हम मान लेते हैं कि जो क्यू ने इन्वेस्ट किया होगा वह किया होगा एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो क्यू ने किया था 5 महीनों के बाद, इसका मतलब क्यू ने किया है 7 महीने, और पी ने पूरा साल किया होगा तो 12 मंथ किया होगा। तो जहाँ से प्रॉफिट की रेशो निकल जाएगी किसकी, पी और क्यू की, ठीक है। अब जहाँ से 7 × 5 करेंगे 35 बन जाएगा, तो 7 × 500 करेंगे तो 3500 बन जाएगा, और पी की वैल्यू जहाँ से आ जाएगी 12 × 5 करेंगे 60, और दोनों जीरो साथ में, यानी कि पी का जो इन्वेस्टमेंट था वो था 6000, रेशो जो बन जाएगा 7x × 1x। तो क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है, एक्स। अब जिस तरह से प्रॉफिट की रेशो है, इन्वेस्ट भी उसी तरह से किया होगा, तो पी की रेशो आई है 2, तो पी ने इन्वेस्ट कितना किया है, 6000। हम ये कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू कितनी है, 6000। अगर 2 की वैल्यू 6000 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3000। अगर 1 की वैल्यू 3000 है तो क्यू का निकालना है, क्यू के प्रॉफिट का शेयर की रेशो कितनी है, 3, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 3000, यानी कि 9000 लगाया होगा किसने, Q
क्यू ने, जो कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9000। देखिए पी की वैल्यू कितनी है 6000 और एक्स की यानी कि क्यू की वैल्यू आ गई 9000। अगर आप इसकी रेशो निकालना चाहो तो यह 2:3 ही बनेगी, जो हमने ऑलरेडी प्रॉफिट की निकाल रही है। तो निकालना था क्यू ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो क्यू ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है 9000। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस सिन्हा इन्वेस्टेड RS 4000, 8000 एंड 6000 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता और मिसेस सिन्हा तीनों बंदे पैसा लगाते हैं कितना कितना। मिस्टर शर्मा लगाते हैं 4000, गुप्ता लगाते हैं 8000 और सिन्हा लगाते हैं 6000 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। मिस्टर शर्मा लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीनों के बाद मिस्टर शर्मा छोड़कर चले जाते हैं। इफ़ आफ्टर 8 मंथ देयर वाज़ ए गेन ऑफ RS 34000। कहते हैं कि अगर 8 महीने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, वह 34000 हो, देन वट विल बी द शेयर ऑफ मिस्टर गुप्ता। तो बताओ मिस्टर गुप्ता का शेयर क्या होगा। तो देखिए है कौन कौन है, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता और मिसेस सिन्हा, ठीक है। मिस्टर शर्मा, शर्मा कितना पैसा लगाते हैं 4000, इसी के साथ गुप्ता लगाते हैं 8000 और सिन्हा लगाती है कितना 6000। अब देखिए मिस्टर शर्मा लेफ्ट आफ्टर 6 मंथ, मिस्टर शर्मा 6 महीनों के बाद छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि मिस्टर शर्मा कितने समय के लिए पैसा लगाते हैं 6 महीने के तक। इफ़ आफ्टर 8 मंथ, उन्होंने बोला अगर 8 महीनों के बाद जो प्रॉफिट है वह 34000 हो, इसका मतलब गुप्ता और सिन्हा ने 8-8 महीने इन्वेस्ट किया है। तो जहाँ से प्रॉफिट की रेशो निकल जाएगी, देखिए कैसे 1, 2, 3 कट जाएगा, ठीक है। और ये 4 × 1, 4 × 2, 8 से कट जाएगा, और वैल्यू क्या बन रही है जहाँ पे 6:8 × 2 करेंगे 16:6 × 2 करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू 2 से कट जाएगी, ये 3 × 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 8 × 2 करेंगे 16 आ जाएगा, और 6 × 2 करेंगे 12 आ जाएगा। तो प्रॉफिट की जो रेशो है वह क्या निकल के आई, 3:8:6, ठीक है। अब निकालना क्या है, अब टोटल प्रॉफिट उन्होंने दिया है कितना 34000, तो रेशो के हिसाब से प्रॉफिट कितना बन रहा है 3:8:11 और 6 करेंगे 17। हम ये कह सकते हैं कि रेशो के हिसाब से जो प्रॉफिट है वह 17 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट कितना है 34000। तो हम जहाँ से ये बोल सकते हैं कि 17 यूनिट जो है वह 34000 के इक्वल है, तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 34000 डिवाइड बाय 17, तो 17 × 2 करेंगे 34 और ये 3 0 साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2000। अगर 1 की वैल्यू 2000 के इक्वल है तो पहले मिस्टर शर्मा जिनकी रेशो क्या है 3, तो 1 की वैल्यू अगर 2000 है तो 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 6000 के। तो जहाँ से हम ये बता सकते हैं कि मिस्टर शर्मा का जो इन्वेस्ट है वह 6000 है, और 8 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अगर 1 की वैल्यू 2000 है तो 8 की वैल्यू होगी 16000। तो मिस्टर गुप्ता की जो इन्वेस्टमेंट थी वह 16000 थी यानी कि शेयर था, और 6 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 12000 मिस सिन्हा। अब पूछा किसका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देख लीजिए मिस्टर गुप्ता का, तो गुप्ता कौन से थे सेकंड वाले, 8 जिनकी रेशो थी, तो 8 की वैल्यू क्या है 16000। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी में अगर आपको मिस्टर शर्मा और मिस सिन्हा की भी पूछा होता तो आप उनका भी आंसर बता देते दोनों का, ठीक है। उम्मीद जाता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेश एंड हरीश हैव इन्वेस्टेड RS 20000 एंड RS 30000 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं महेश और हरीश पैसा इन्वेस्ट करते हैं कितना कितना 20000, महेश करता है 20000 और हरीश करता है 30000 इन ए बिजनेस, किसी बिजनेस में। इफ़ आफ्टर 3 मंथ हरीश विदड्रा RS 5000 फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि अगर 3 महीनों के बाद हरीश 5000 निकाल लेता है अपने बिजनेस से, जो उसने इन्वेस्ट किया होगा अपने इन्वेस्टमेंट से,
देन द रेशो इन विच दे डिवाइड द प्रॉफिट विल बी, तो बताओ उनके प्रॉफिट की जो रेशो होगी वह क्या होगी। ठीक है, तो देखिए महेश पैसा लगाता है कितना 20,000 और महेश पैसा लगाकर छोड़ देता है, वह विदड्रा नहीं करता। इसका मतलब महेश ने पूरे साल पैसा लगाया होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि महेश का पैसा 12 मंथ लगा होगा। ठीक है, जिस रेशो में इन्वेस्ट होगा उसी रेशो में प्रॉफिट भी उनको मिलेगा। अब महेश ने लगाया था कितना 30,000, महेश ने लगाया था 30,000, तो 3 महीनों के बाद, सॉरी हरीश ने लगाया था 30,000 और 3 महीनों के बाद हरीश विदड्रॉ कर लेता है कितना 5,000। इसका मतलब 3 महीने तो हरीश का 30,000 ही रहता है, उसके बाद वह 3 महीनों के बाद विदड्रॉल कर लेता है 5,000, तो इसका मतलब उसका पैसा रह जाता है कितना 25,000 और वह कितने समय के लिए रहता है 9 मंथ के लिए, क्योंकि 3 महीनों के बाद वह 5,000 निकलवा लेता है और बचा हुआ पैसा 9 मंथ के लिए लग जाता है। ठीक है, तो जहाँ से देखिए ये बन जाएगा 20,000 इंटू 12 और जहाँ से 30 × 3 करेंगे तो 90 बन जाएगा, 90,000 प्लस 25 × 9 करेंगे तो 225 बन जाएगा। तो इन दोनों को सम करेंगे कितना बनेगा, जहाँ पे 90,000 और ऐड कर लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 0005902 11, जहाँ पे 3 बन जाएगा। तो रेशो आपकी क्या बन के आई, जहाँ पे भी मल्टीप्लाई अगर कर लें तो ये बन जाएगा 12 × 2 = 24, 1234 रेशो 315000, तो 123123, जहाँ पे रेशो क्या बनी 240 रेशो 315। अब 240 आपका चला जाएगा 48 से, 48 × 5, और 315 चला जाएगा 63 से। अब जे भी दोनों कट जाएंगे 3 के टेबल से, यानी कि 16 × 3 करेंगे रेशो 21 × 3 करेंगे, तो रेशो क्या बन के आई 16:21। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी इंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग RS 20,000 एंड RS 16,000। कहते हैं ए और बी इन्वेस्ट करते हैं पैसा कितना 20,000 और 16,000। आफ्टर 3 मंथ सी जॉइंड देम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 15,000। आफ्टर 3 मंथ मतलब 3 महीनों के बाद सी बी ज्वाइन कर लेता है कितने पैसे के साथ 15,000 के साथ। बट इज़ बीज शेयर इफ़ द हाफ ईयरली प्रॉफिट इज RS 4,350। कहते हैं कि अगर आधे साल का प्रॉफिट 4,350 हो तो बताओ बी का शेयर क्या होगा। ठीक है, तो ए कितना पैसा लगाता है 20,000, अब प्रॉफिट है 6 मंथ का यानी कि 6 महीनों तक, रेशो बी का पैसा लगता है 16,000 × 6 मंथ के लिए, रेशो सी का पैसा लगता है 15,000, लेकिन सी लगाता है 3 महीनों के बाद, तो इसका मतलब सी का लगेगा 3 मंथ का, टोटल अगर 6 मंथ है तो जहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 कट हो जाएगा और 3 × 1, 3, 3 × 2, 6, 3 × 2, 6 चला जाएगा और वैल्यू क्या आ गई 20 × 2 करेंगे 40 रेशो 16 × 2 करेंगे 32 रेशो 15। ठीक है, ये रेशो आ गई प्रॉफिट की ए बी और सी की। उन्होंने बोला है कि टोटल प्रॉफिट जो है वह कितना है 4,350, लेकिन रेशो के हिसाब से अगर हम देखें तो 40 + 32 = 72 + 15 करेंगे 87 यूनिट, यानी कि 87। ठीक है, तो 87 इक्वल टू किसके इक्वल होगा 4,350 के, तो जहां से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे वह होगी 4,350 / 87, तो 87 × 5 करेंगे 435 बन जाएगा और 0 साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 50 के। अब 1 की वैल्यू 50 के इक्वल है, निकालना क्या है हमने बी का शेयर, तो बी की जिसकी रेशो कितनी है 32, अगर 1 आपका 50 के इक्वल है तो 32 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 32 ×
50, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, सिर्फ 5 की मल्टीप्लाई 32 से करिए, तो 32 × 5 करेंगे 160 हो जाएगा, और ये जीरो साथ में लगा दीजिए, तो बी का शेयर क्या आ गया 1600। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता गीता एंड रीता इन्वेस्टेड आरएस 20,000 50,000 एंड आरएस 40,000 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं सीता गीता एंड रीता तीनों पैसा लगाते हैं कितना कितना 20,000 50,000 एंड 40,000 इन ए बिजनेस, किसी बिजनेस में। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज आरएस 12,100। कहते हैं कि अगर नेट प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट, अगर टोटल प्रॉफिट एक साल के बाद 12,100 हुआ हो, विच वॉज डिवाइडेड इंटू प्रपोर्शन टू देयर इन्वेस्टमेंट, और उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाए, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय रीता। तो बताओ रीता को कितना शेयर आएगा उसके प्रॉफिट का, ठीक है। तो पैसा कौन लगाता है, सीता गीता और रीता, कितना कितना पैसा लगता है 20,000 50,000 और 40,000। तो जिस हिसाब से पैसा लगेगा, अब एक साल के लिए लगता है यानी कि 12 मंथ, अब तीनों के साथ 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तीनों कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर टाइम सेम दिया होगा तो आपने टाइम को निगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से 40 और 40 कट जाएंगे, तो किस रेशो में प्रॉफिट आएगा, 2:5:4, ठीक है। अब 2:5:4 टोटल प्रॉफिट उन्होंने दिया है कितना, 12100, लेकिन रेशो के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है, 5, 4, 9 और 2, 11। तो हम ये कह सकते हैं 11 की जो वैल्यू है वह है 12100, तो जहाँ से 1 की वैल्यू क्या होगी, 12100/11, तो 11 × 11 करेंगे 121 बन जाएगा, 00 साथ में आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आई, 1100 के। अगर 1 की वैल्यू 1100 के इक्वल है तो निकालना है रीता का, रीता की रेशो क्या है प्रॉफिट की, 4। अगर 1 आपका 1100 के इक्वल है तो 4 किसके इक्वल होगा, 1100 × 4 यानी कि 4400। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशो 2:3:5। कहते हैं ए बी और सी तीन पर्सन है जो पैसा लगाते हैं किस रेशो में, 2:3:5। द टाइम पीरियड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बींग इन द रेशो 4:5:6। अगर उनके टाइम पीरियड की रेशो उनकी क्या है, 4:5:6। इन बट रेशो वुड द प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बताओ प्रॉफिट की रेशो क्या होगी, ठीक है। तो प्रॉफिट की रेशो हमेशा कैसे निकलती है, इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई के साथ। तो ए बी और सी का प्रॉफिट निकालेंगे तो ये बन जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ बी रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इनटू टाइम ऑफ सी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ ए की इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या है, 2, और टाइम की रेशो क्या है, 4, तो जाया जाएगा 2:4। रेशो बी की इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या है, 3, और बी के टाइम की रेशो क्या है, 5, ये बन जाएगा 3:5। रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी 5 और टाइम ऑफ सी 6, तो ये बन जाएगा 5:6। तो जहाँ से निकल जाएगी इनके प्रॉफिट की रेशो, तो 4:2 करेंगे 8 बन जाएगा रेशो, 5:3 करेंगे 15 बन जाएगा रेशो, 6:5 करेंगे 30 बन जाएगा। अब देखिए 15 और 30 तो कट जाता है बट 8 नहीं कटता, तीनों कटने चाहिए ऐसे टेबल से जिनमें तीनों कटे, तब काट रहे हैं अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 8:15:30, ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद चाहूँगा कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्टनरशिप कंप्लीट ख़त्म कर दूँ, ठीक है, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे एवरेज। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।